वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों, आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 10, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब ये चैप्टर इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के एक एक जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ वो एक एक वर्ड अच्छे से आपको समझना होगा। बहुत कॉन्सेंट्रेशन से इस वीडियो को ज़रूर देखना, एक एक चीज़ समझना। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल निकाल के आपके लिए बहुत ईजी थ्योरी के साथ में मैंने समझाने की कोशिश करने वाली हूँ आज के वीडियो में। और इसमें हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है वो जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के, और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन के, यानी कि हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे किन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम जान सकते हैं कि हाँ ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज की वीडियो में आज के टॉपिक को अच्छे समझने के लिए मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अब बच्चों हमने एवरेज जब समझा था, हमने जब सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि हम मीन निकालते हैं। मीन सिंपल क्या होता है, एक एवरेज होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अगर हमारा डेटा 40-40, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है, अगर आपका डेटा 40-40-40 मतलब इक्वली ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड है, तो भी इसको हम एक सैलरी के उसमें लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि इकनॉमी है कोई, हमारे कहीं की भी इकनॉमी ले लेते हैं, कोई इकनॉमी है वहाँ पर हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं, एक इकनॉमी है। उसमें हमने देखा कि फर्स्ट वाले में, एक्स वाले में, ऑब्जर्वेशन में सब लोगों की 40-40 हज़ार की सैलरी है, तो उसके हिसाब से हमारा 40 का मीन निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, तो ये हमारा एवरेज इस वाले केस में, तो हमारा एवरेज जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट रहेगा, किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वाई वाले में क्या है, थोड़ा सा चेंज आया है, किसी को 45,000 है, किसी के 36,000 है, किसी के 40, किसी के 35, किसी के 44 है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे मीन के आसपास ही घूम रहा है डेटा, तो ठीक है, थोड़ा सा स्कैटर्ड है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको भी ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं। क्योंकि मीन जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, वो मीन होता है कि वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो हमारे जो डेटा होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 था, तो सबको 40-40 हज़ार थी, तो हमारा एवरेज बिल्कुल सही था। यहाँ पे भी 40 है मीन, ठीक है, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं है, बट ठीक है, उतना भी ज़्यादा हमारा यहाँ पर वैल्यू जो है स्कैटर्ड नहीं है, आसपास ही है मीन के, तो इसको भी हम एक गुड एवरेज मान के चल सकते हैं। इस मीन को हम एक गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा मान के चल सकते हैं। लेकिन जब हम अपने थर्ड केस यानी जेड में आते हैं, तो हम देखते हैं कि मीन है तो यहाँ पर भी 20, टोटल जो आ रहा है वो भी आ रहा है 200, लेकिन जो हमारा डेटा है, जो इनकम है, वो हमारी कितनी ज़्यादा वैरी कर रही है। किसी को बिल्कुल 3,000 सैलरी है, तो किसी के बिल्कुल 95,000 सैलरी है। अब इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम तो हमारा इक्वली दिखाएगा। मान लो ये 2011 है, ये 2012 है, ये 2013 का पर कैपिटा इनकम है, तीनों में मीन से हमारा एवरेज तो बिल्कुल सही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इनइक्वालिटी इन इनकम बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारा मीन जो है वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है डेटा को, तब वहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन का काम शुरू होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारा बताता है कि जो वेरिएशन है, जो गैप है, जो स्कैटर्डनेस है डेटा की, वो किस हद तक है, हाई है, लो है, वो कितने हद तक आपस में जो डेटा है वो एक दूसरे में वैरी कर रहा है, ये हमें डिस्पर्जन से पता चलता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें ये तो लगेगा कि हाँ भाई पर कैपिटा इनकम 40 ही आ रहा है पिछले 2 साल के हिसाब से, तो ठीक है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी काम कर रही है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताएगा कि नहीं भाई, तुम्हारा जो इनकम, तुम्हारा जो इकोनॉमी है वो सही काम नहीं कर रही है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारी इकोनॉमी में वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर आके हमारा जो मीन है वो फेल हो जाएगा, जो एक्चुअल रिप्रेजेंट करना था डेटा का, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर देनी थी डेटा की, वो नहीं दे पाता। तो वहाँ पर जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो हमारे काम आता है, एक्चुअल जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को, जो वेरिएशंस हो रहे हैं डेटा में, वो हमें बताता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर हम ये एक इंट्रोडक्शन या एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपको समझाने के लिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है और वो क्यों काम आता है, उसको इंक्लूड क्यों किया गया है। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। द एक्सटेंट टू विच डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर हमारा मीन तो 40 था, जो वैल्यूज थी डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी 40 थी। यहाँ पर हमारा मीन 40 था लेकिन हमारी जो वैल्यूज थी वो आसपास ही थी, ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन यहाँ जो हमारा वैल्यू था उससे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। तो वही हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो बताता है कि द वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैल्यूज दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो किस हद तक डिफर करती है एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इंडिकेट्स द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ आइटम्स। यानी कि या कितनी जो हमारे आइटम्स जो गिवन है वो कितने हद तक यूनिफॉर्म है, ये हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है। अगर हाईली, ये हो गया हमारा हाईली यूनिफॉर्म, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ही जो ऑब्जर्वेशन है, सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। ये हमारा हो गया लो यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपस में जो डेटा है वो डिफर कर रहा है। जो मीन है, जो एवरेज है, उससे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत हद तक डिफर कर रहा है। तो ये वाला तो हो गया हमारा लो यूनिफॉर्म डेटा, और ये हो गया हमारा हाई यूनिफॉर्म डेटा, और ये हो गया मॉडरेट। तो हमारा जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो बताता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन होता है उसमें किस हद तक वेरिएशंस आ रहे हैं, कितने डिग्री का आपस में उनमें कितना डिग्री का उनमें डिफरेंस है, कितने डिग्री का उनमें वेरिएशन हो रहा है, ये हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो बताता है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। जब मीनिंग समझ में आ जाएगा ना तो आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी इसकी अच्छे से, और ये क्यों हम कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा ना। तो ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, अगर एक आध वर्ड आप भूल भी जाते हो, एक आध पॉइंट आप एग्जाम टाइम में भूल भी जाते हो, तो आप अपने आप भी दिमाग अपने आप भी उसमें उस टाइम पर बना सकते हो। जब आपको मीनिंग समझ में आ गया तो आप उसकी इंपॉर्टेंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी सारी चीज़ें जो होती है मेरिट्स डीमेरिट्स, वो अपने आप बना सकते हो। इसलिए मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है कि वो बताता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वो आपस में कितना एक दूसरे से डिफर है, कितनी हद तक यहाँ पर वेरिएशन हो रही है। अब बच्चों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन भी हो सकता है और रिलेटिव डिस्पर्जन भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है, जब हम किसी भी डेटा को हम देख रहे हैं और उसको हम यूनिट्स में हम उसको बताते हैं, एक उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लाके देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। यानी कि द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ अ सीरीज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। जैसे कि अभी हमने जो इससे पहले पर कैपिटा इनकम वाले के एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें हम जितनी भी वो बात कर रहे थे, वो 30, 40, 50, 56 या 37, जो भी हमने 3000, 7000 जो भी हमने वहाँ पे बात करी थी, वो सैलरीज थी, तो वो इन रुपीस थी। ठीक है, तो वो जो रुपीस है, किलो हो गया, लीटर हो गया, मतलब हम किसी यूनिट में हम बात करते हैं, उसकी एब्सोल्यूट जो ओरिजिनल उसकी यूनिट है उसमें हम किसी सीरीज के बारे में बात करते हैं, निकालते हैं, उसके मेजर करते हैं, तो उसको हम बोल देंगे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। ठीक है, और अगर इसी जगह हम क्या करेंगे, हम लेकिन यहाँ पर क्या होता है एब्सोल्यूट वाले में, हम किसी एक ऑब्जर्वेशन का ही एक टाइम पर यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सैलरी वाला देखा, तो एक टाइम पर हम सिर्फ सैलरी का ही एब्सोल्यूट मेजर करके हम एक बार में पर कैपिटा इनकम निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमारा कंपैरिजन वाला आ जाता है, यानी कि ए की और बी की सैलरी हम कंपेयर करने पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो आ जाएगा रिलेटिव डिस्पर्जन, विच आर मेजर्ड एज अ परसेंटेज और रेशियो ऑफ द एवरेज। यानी कि
क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक तो हमारा कंपैरिजन आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हमने सैलरी की बात करी तो रुपीज़ की बात करेंगे, अगर हम किसी वज़न की बात करेंगे तो किलोग्राम या लीटर की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो दो डिफरेंट यूनिट ऑफ डेटा को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसमें कंपैरिजन निकलेगा तो वो एक परसेंटेज और एक रेशियो में निकलेगा, ठीक है, वो किसी किलोग्राम या यूनिट में किसी में नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, हम अगर कोई दो डेटा को कंपेयर करके हम मेजर निकालते हैं तो उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव डिस्पर्जन, ठीक है। यहाँ पर जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल जो यूनिट है, ओरिजिनल जो एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आएगी डिस्पर्जन की एक ही से किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट। और अगर हम किसी दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और उसका आंसर परसेंटेज और रेशियो में निकालते हैं, मतलब कि हम ये निकालने लग जाएं कि सेक्शन सी और सेक्शन डी इनके आपस में जो मार्क्स है ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो इनके आपस में जो मार्क्स है वो कितने एक दूसरे से डिफर करते हैं, किसका मार्क्स, कौन से सेक्शन का मार्क्स किस कितने परसेंटेज या कितने रेशियो ज़्यादा या कितने रेशियो कम है, अगर हम इस तरीके का कंपैरिजन बिठाएं तो वो हो जाएगा हमारा रिलेटिव डिस्पर्जन, ठीक है। तो हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो एब्सोल्यूट हो सकता है और वो रिलेटिव डिस्पर्जन हो सकता है। एब्सोल्यूट का हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिया था रिलेटिव में, हमने सी और डी के मार्क्स का कंपैरिजन किया, अगर हम इसी जगह सी के मार्क्स का कंपैरिजन करने लग जाएं, ठीक है, मेजरमेंट हम एक ही सिर्फ सी सेक्शन का ही निकालने लग जाएं, तो वो उसमें जो वेरिएशन जो आ रही हैं वो निकालने लग जाएं, तो वो हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि उसमें जब हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो सिर्फ एक उसकी वैल्यू होगी, एक यूनिट होगा, वो मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा एब्सोल्यूट, जिसमें हम सिंगल यूनिट सिंगल सीरीज की बात करते हैं और यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो ये परसेंटेज और रेशियो में जो वेरिएशन है वो निकल के आता है। डिस्पर्जन मतलब वेरिएशन, ठीक है, डिस्पर्जन मतलब ही वेरिएशन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि एक अच्छा मेजरमेंट जो वेरिएशन का मेजरमेंट बता पाए, उस मेजरमेंट के कुछ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कौन से उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियस है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सारे ही ऑब्जर्वेशन को लेके चल रहे हैं। जब हमने पर कैपिटा वाला एग्जाम्पल लिया था तो उसमें क्या था, जेड वाले में 3, 5, 7, 85, 95 इस तरीके का डिफरेंस था, है ना। तो उसमें हम क्या लेंगे, हम ये सारे ही ऑब्जर्वेशन लेंगे तभी तो हमें मालूम चलेगा कि इनमें आपस में डेटा में कितना वेरिएशन है, तभी तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकाल रहे हैं। अगर एवरेज ही निकालना होता तो मीन काफ़ी था हमारे लिए, लेकिन हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, इनके बीच के वेरिएशन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये सारे ही डेटा हम बेस्ड, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन जो निकल के आएगा वो सारे ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, है ना। तो इसीलिए जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो हमारा सारे डेटा को इंक्लूड करके, सारे ही कैलकुलेशंस लेके, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इंक्लूड करके ही अपना मेजरमेंट, अपना फाइनल आंसर जो है वो निकालता है, अपना फाइनल आंसर बताता है कि कितना इन ऑब्जर्वेशंस में आपस में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट कि रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड यानी कि जो अब हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकाल दिया अगर वो सही है तो फिर हम किसी भी फॉर्मूले से, किसी भी तरीके से हम उसको कभी भी निकालेंगे, वो हमारा आंसर बिल्कुल सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी ये नहीं है कि हमने मेथड चेंज कर दिया तो हमारा आंसर डिफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरीज हो सकता है चेंज हो, सारी चीज़ें, लेकिन अगर उसमें डेटा जो इंक्लूड हमने किया है वो बिल्कुल सेम है तो हमारा आंसर भी बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम आने वाला है, ठीक है। फिर है हमारा इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी समझी है, थ्योरी अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम न्यूमेरिकल समझना है अगर अच्छे से तो उसके लिए थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, और थ्योरी अभी तक हमें समझ में आ गई है कि ईजी है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट मेजर्स हमें निकालना है कि डिस्पर्जन इज इक्वल्स टू वेरिएशन, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू कैलकुलेट भी होने वाली है। अनड्यूली अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, इसमें अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज डाल दें तो भी ये अफेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो हमें
एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। ऐसा नहीं है कि हमने 3-5 इस तरीके से लिया तो एक्सट्रीम वैल्यू से हमारा पूरा जो डेटा है वो मीन में बिल्कुल बदल जाता है। अगर हम सिर्फ 3-5-7 तक की बात करें, अगर हम सिर्फ इतने की बात करते तो हमारा जो मीन है वो अलग आता, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया, एक्सट्रीमली बिल्कुल चेंज हो गया, तो टोटल जो था वो 200 तक पहुँच गया, जबकि यहाँ पे आता तो 50 तक भी अगर इस तरीके का डेटा होता आगे भी तो सिर्फ 50 तक पहुँचना भी टोटल का बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो मीन तो बहुत जल्दी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड हो जाता है, लेकिन हमारा जो गुड एक मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमें ये बताता है कि कितना वेरिएशन है आपस में ये इन डेटाज में। वो अच्छी तरीके से एक एक डेटा को देख के वो बताता है कि कितना हद तक कितना ज़्यादा वेरिएशन है इन डेटाज में आपस में। फिर लास्ट है केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल एंड एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन करने के बाद फिर हम इसमें आगे फर्दर और भी इसमें कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, जैसे हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हैं, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में समझने वाले हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बाद में और भी फर्दर कैलकुलेशंस पॉसिबल हो जाती हैं। अगर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कर लें, मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकाल लें, वेरिएशन इन डेटा हम देख लें, तो आगे और भी इसी से रिलेटेड फर्दर कैलकुलेशंस भी पॉसिबल होती हैं, और वो हम स्टेप बाय स्टेप हमारे अलग अलग चैप्टर्स में हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें आगे हमारा हाइपोथेसिस भी आएगा, फिर हमारा कोफिशिएंट भी आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे एक गुड मेजरमेंट के, एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन के, और ये हो गया कि हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्जन में कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, अगर सिंगल सीरीज गिवन है तो कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें कौन सा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन हमें यूज़ करना है। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम अगर निकाल रहे हैं, हमने इंक्लूड किया है, तो वो क्यों किया है? तो पहला है टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, यानी कि हमने ये देख लिया कि जो मेजर डिस्पर्जन जो होता है वो ये निकालता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना डिफर करता है एवरेज से। हमारा एवरेज तो 40 निकल रहा था, लेकिन जो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था वो तो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा था, 3-5-7 हज़ार इस तरीके का, 85,000-95,000 इस तरीके का हमारा जो सैलरी थी वो आ रही थी। तो हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो बताता है कि जो एवरेज हमने निकाला है वो कितना सही है, वो कितना रिलायबल है। अगर लो वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन है कि तो मतलब ये हो जाएगा जो एवरेज हमने निकाला था वो सही था। ठीक है, एवरेज जो था वो अप्रोप्रिएट था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उसमें हमने लो वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन निकला है, तो मतलब क्या हो गया कि जो उसकी डिग्री थी एवरेज से, और जो उसके डिग्री थी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू और जो एवरेज जो हमें गिवन था उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो कि हमने बीच वाला जो वाई जो सीरीज़ का हमने देखा था उसमें 45-36 इस तरीके से आ रहा था, 40-35-44, तो वो क्या था, 40 जो हमारा एवरेज है ना उससे ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूम रहा था। तो वो हो जाएगा कि हमारा जो लो वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन यानी कि वेरिएशन जो है एवरेज और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच की जो वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं है, उसके बीच में जो आपस में चेंज है, जो जितना भी उसमें डिफर हो रहा है, मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में ज़्यादा अलग अलग नहीं है। और अगर हाई वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन है तो इसका मतलब ये हो गया जो हमने लास्ट वाला जेड वाला केस देखा था कि एवरेज तो 40 निकल रहा है लेकिन जो वैल्यूज़ है वो हमारी बहुत ज़्यादा एवरेज से अलग हटके आ रही हैं, तो वो हमें बताएगा जो एवरेज हमने निकाला है वो अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो बताता है कि जो एवरेज हमने निकाला है, जो मीन हमने निकाला है वो कितना सही है। लो है तो अच्छा मीन है, बिल्कुल सही है, और हाई डिस्पर्जन है
तो यानी कि मीम सही नहीं निकला है, वो एक राइट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो डेटा हमारे पास गिवन है, वो एक अच्छा पिक्चर, बिल्कुल सही पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर पाया है हमारे डेटा की। टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, उसमें वो हमें बता पाता है, जैसे हमने रिलेटिव डिस्पर्जन में देखा कि वो हमें बता पाएगा एक से ज़्यादा, जब हमारे डिस्पर्जन में हम एक से ज़्यादा डेटा के जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर भी हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हेल्प करता है कि आपस में ये कितना एक दूसरे से ये जो डेटा है कितने परसेंटेज या कितने रेशियो आपस में ये वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से। टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन टू और मोर, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके बीच में आपस में कितना ये वेरिएशन है वो बता पाता है। ठीक है, अब आप वेरिएशन चाहे तो ऐसे लिख सकते हो कि एक्स और वाई का हमने वेरिएशन देख लिया डेटा का, या आप ऐसे देख सकते हो कि जेड अकेला था, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था 3, 5, 7, 85, 95, तो इनके बीच में आपस में कितना वेरिएशन है ये भी बता पाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों ही केस में आप बता सकते हो कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो वेरिएशन है वो बता पाता है। टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ, अब वेरिएबिलिटी हमने वेरिएशन तो बता दिया कि भाई इतना इतना डिग्री का इनमें आपस में वेरिएशन है, लेकिन वेरिएशन पता करने के बाद इसको कंट्रोल भी तो करना है, जब हम इसका रीज़न जान जाएंगे वेरिएशन का तो इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हेल्प करता है, जो इतना डेटा में आपस में वेरिएशन है, जो इतना हमने इनइक्वालिटी, जब हमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में मालूम ही नहीं चलेगा तो हम उसको क्योर कैसे करेंगे। तो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकाला तो हमें मालूम चला कि भैया मीन तो 40 आ रहा है, पर कैपिटा तो हमारा 40 आ रहा है, लेकिन इनकम की इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जब ये मालूम चल जाएगा तो अपने आप ही वो वेरिएशन जो है वो आपस में कंट्रोल में आ जाएगा, तो अपने आप ही वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो गलत हो रखी थी वो सही हो जाएगी। तो हमें वेरिएबिलिटी जो है वेरिएशन कंट्रोल करने में भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है हेल्प करता है। लास्ट है टू फैसिलिटेट एंड टू सर्व एज द बेसिस ऑफ फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हमने पहले मैंने इससे पहले वाले हमने पॉइंट में भी देख लिया था कि फर्दर हमें कोरिलेशन, हाइपोथीसिस, रिग्रेशन ये सब निकालने में भी हमारे ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हेल्पफुल रहता है। और वही है कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथीसिस ये हम अपने आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमें अगेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प करता है कि हम फर्दर जो इसकी और एनालिसिस है, जो डेटा हमें मिला है उसकी और फर्दर डिटेल में हम एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का वीडियो, इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करेंगे। आई होप आपको जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था, जो हमने थ्योरी पार्ट हमने आज समझा वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर आपकी मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। और इसके अलावा मेरे चैनल के संग इसी तरीके से अपना साथ बनाकर रखें, अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।